Good morning, students. I welcome you here on the official YouTube channel of Sanskaram Group of School. My dear students, we decided the Saturday as the vocab day. आपको पता है कि हमने Saturday को vocab day decide किया था. And now this is the fifth lecture of vocab. ये हमारा जो lecture है बेटा, ये fifth lecture है. We can think this one is the फिफ्थ पार्ट ऑफ वोकैब. आज जो हम करने वाले हैं वो वोकैब का फिफ्थ पार्ट. एंड हाउ वी आर डूइंग वोकैब, हाउ वी आर इम्प्रूविंग अवर वर्ड नॉलेज. हम अपनी वर्ड नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं बेटा रूट वर्ड से. किससे कर रहे हैं? रूट वर्ड से. गेटिंग? आज भी ऐसे ही हम एक रूट वर्ड को उठाएंगे और वो रूट वर्ड कितने वर्ड्स को कवर करता है, हम उन सारे वर्ड्स को कवर करेंगे यहाँ पे. दिस इज द ईजिएस्ट वे, ठीक है? दिस इज द ईजिएस्ट वे टू लर्न वर्ड्स. वर्ड्स को लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है. यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम एंड व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो यू कैन लर्न दीज वर्ड्स. जब आप देख रहे हैं तभी आपको वो सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे. इन फ्यूचर ऑल्सो वेयर एवर यू सी द सेम वर्ड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर रूट वर्ड, और टूडे रूट वर्ड इज लिटरी, अगर उस रूट वर्ड से रिलेटेड आपको फ्यूचर में कोई भी वर्ड दिखाई देता है देन यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली यू विल एबल टू आइडेंटिफाई दिस वन इज रिलेटेड टू दिस मीनिंग. किसका मीनिंग आपका कहीं ना कहीं यहाँ आसपास है. चलिए सुनिए. देखिए बेटा, रूट वर्ड्स, आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है लेटरी. क्या है बेटा? लेटरी, ठीक है? लेटरी का मीनिंग आपका जो रिलेशन है वो किससे है? वर्शिप से है. किससे है बेटा? वर्शिप से, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, जहाँ भी आपका लेटरी आपको एंड में मिले, लेटरी से आपका स्टार्टिंग हो तो वहाँ पे समझ लीजिए कि आपको क्या मिलेगा? वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप मिलेगा. ओके, एंड नाउ दिस वन वुड कवर नियर अबाउट 30 वर्ड्स. ये वर्ड आपका, ये रूट वर्ड लगभग 30 वर्ड्स को कवर करेगा. तो अब देखना कैसे 5 मिनट में हम 30 वर्ड्स को लर्न करते हैं. नाउ कम हियर, देखिए फर्स्ट है आपका बेटा वर्बोलेटरी. क्या है? वर्बोलेटरी. लेटरी हमने अभी किया जिसका रिलेशन किससे है? वर्शिप से है. वर्बो का रिलेशन किससे है? वर्ड से है. वर्बल और ओरल आपने दो वर्ड किए होंगे ना, पता होगा, वर्बल एंड ओरल. ओरल जो कि आपका सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड होता है और वर्बल आपका जो रिटन से भी रिलेटेड होता है, वर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करें वर्बोलेटरी, द वर्शिप ऑफ वर्ड्स, ठीक है? भी लेटरी हो गया वर्शिप, लेटरी क्या हो गया बेटा? वर्शिप. और आपका वर्बो क्या हो गया? वर्ड्स. ये क्या हो गया? वर्ड्स. तो वर्बोलेटरी क्या हो गया? वर्शिप ऑफ वर्ड्स, जहां शब्दों की पूजा की जाए वो क्या हो गया आपका? वर्बोलेटरी. क्लियर? नेक्स्ट देखिए एंड्रोलेटरी. एंड्रो सबको पता है, एंड्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, मैन. ह्यूमन बींग नहीं कह सकते, मैन, आदमी से रिलेटेड है एंड्रो, ठीक है? एंड्रो आपका रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है और इसका मीनिंग मैन होता है. इससे रिलेटेड भी वर्ड्स हमने किए हैं शायद हम. तो ये आपका मैन हुआ, लेटरी आपका वर्शिप हुआ, तो क्लियर है मैन वर्शिप, ठीक है? जहाँ आदमी की पूजा हो उसे क्या बोलेंगे? एंड्रोलेटरी, ठीक है? चलिए फिर आप बात करें गायनोलेटरी. गायनो सबको पता है, गायनोलॉजिस्ट की बात करते हैं. गायनो की बात करें तो गायनो किससे रिलेटेड है? विमेन से रिलेटेड है. जैसे आपका एंड्रोमैन से रिलेटेड है, गायनो मैन विमेन से रिलेटेड है, तो गायनोलेटरी क्या बन गया? वर्शिप ऑफ विमेन. क्या बना? वर्शिप ऑफ विमेन. नेक्स्ट देखिए बेटा एंजलोलेटरी. क्या है? एंजलोलेटरी. तो एंजलो एंजल्स, एंजलो क्या हुआ? एंजल्स. तो एंजलोलेटरी वर्शिप ऑफ एंजल्स, जहाँ पे किसकी वर्शिप हो? एंजल्स की वर्शिप हो, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, वो आपका एंजलोलेटरी. एंजल्स जिसे हम घोस्ट नहीं कहेंगे, एंजल्स जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, उन्हें एंजल्स वो कंसिडर किया जाता है, जो अच्छी प्रेत आत्माएं होती हैं उन्हें एंजल्स बोला जाता है. चलिए तो एंजलोलेटरी जहाँ एंजल्स की वर्शिप हो, वो आपकी वर्शिप से रिलेटेड हो, वो एंजलोलेटरी है. द पर्टिकुलर थिंग दैट इज रिलेटेड टू एंजलोलेटरी वर्शिप ऑफ एंजल्स, गायनोलेटरी वर्शिप ऑफ वुमेन, एंड्रोलेटरी मैन वर्शिप, और वर्बोलेटरी द वर्शिप ऑफ वर्ड्स, वर्बल आपका वर्ड से रिलेटेड. अब आ गया एंथोलेटरी. क्या है? एंथोलेटरी. एंथो का रिलेशन हुआ बेटा फ्लावर से. किससे रिलेटेड है? फ्लावर से. तो एंथोलेटरी वर्शिप ऑफ फ्लावर्स. क्या है? वर्शिप ऑफ फ्लावर्स. देखो अगर लेटरी का मीनिंग सबको पता है वर्शिप आएगा, और येन वर्ड का मीनिंग अगर आप समझते हैं देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन इज रिलेटेड टू वर्ड, कि ये किससे रिलेटेड है. इस तरह से हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट हुए. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए नेक्स्ट स्लाइड एंथ्रोपोलेटरी.
एंथ्रोपो, अब देखो हमने अभी क्या था, एंड्रो, ठीक है, एंड्रो इज रिलेटेड टू मैन, एंड्रो इज रिलेटेड टू मैन, एंड एंथ्रोप इज रिलेटेड टू ह्यूमन, एंथ्रोप इज रिलेटेड टू ह्यूमन, मैन नहीं यहाँ पे, ह्यूमन, ह्यूमन से मतलब यहाँ पे मैन एंड वीमेन बोथ कुड बी, मैन और वीमेन बोथ कुड बी, दोनों ह्यूमन बींग से रिलेटेड, तो वर्शिप ऑफ ह्यूमन्स वो क्या हुआ, एंथ्रोपोलेट्री. नेक्स्ट देखिए ओटोलेट्री, ओटो क्या होता है, वन, ऑटो क्या होता है, वन, तो आपका ओटोलेट्री क्या हुआ, वर्शिप ऑफ वन सेल्फ, वर्शिप ऑफ वन सेल्फ है, जहाँ की एक की ही पूजा हो, ठीक है, वो क्या हुई ऑटोलेट्री, क्या बोलेंगे उसे, ऑटोलेट्री. अब बात करें बार्डोलेट्री, अभी थोड़ी देर उसमें जो हमने पहले रूट वर्ड किए थे उनमें भी आपका एक वर्ड आया था बेटा बार्ड. देखिए बार्ड ऑफ एवन, दिस वन इज रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर. थोड़ा सा हम लिटरेचर में घुसेंगे, ध्यान से समझना. देखिए बार्ड ऑफ एवन किसे बोला जाता है, ये होता यूज होता है विलियम शेक्सपियर के लिए, एंड हु कॉइंड दिस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, ये एक राइटर का नाम है बेटा, उस राइटर जो है उसने ये वर्ड बनाया था बार्डोलेट्री, किसके लिए बनाया, शेक्सपियर के लिए बनाया, किसके लिए बनाया, शेक्सपियर. देखिए इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ध्यान से समझिए, शेक्सपियर के लिए यूज किया बार्डोलेट्री, द पर्सन हु वर्शिप शेक्सपियर, ठीक है, मतलब वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, पर्सन नहीं सॉरी, वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, या कहें शेक्सपियर वर्शिप, वर्शिप जहाँ के की पूजा हो किसकी, शेक्सपियर की, तो वो क्या है आपकी बार्डोलेट्री. बार्ड मतलब शेक्सपियर, वैसे तो बार्ड का मतलब होता है पोइट, ठीक है, उसे बार्ड ऑफ एवन इसलिए बोला गया था क्योंकि वहाँ पे एवन जो रिवर है आपकी, उस रिवर के पास में उसका जन्म हुआ था, तो इसीलिए उसे बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर के लिए यूज हुआ है, तो बार्डोलेट्री इज आल्सो रिलेटेड टू शेक्सपियर, मीन्स वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, क्या बोलेंगे, वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, किसकी पूजा, शेक्सपियर की पूजा को बोलते हैं बार्डोलेट्री, बिकॉज बार्ड इज वर्ड, बार्ड वर्ड दैट इज यूज फॉर शेक्सपियर, एंड दिस टर्म इज कॉइंड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ये टर्म किसने कॉइंड की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने. नेक्स्ट देखिए पोइटोलेट्री, नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, पोइटोलेट्री, पोइटो मीन्स रिलेटेड टू पोइट, पोइटोलेट्री क्या हुआ, रिलेटेड टू पोइट, मीन्स वर्शिप ऑफ पोइट्स, वर्शिप ऑफ पोइट्स, उसे क्या बोलेंगे, पोइटोलेट्री. देखो पोइट तो ये भी है, बट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज कॉइंड फॉर शेक्सपियर, दैट्स व्हाई दिस वन इज रिलेटेड टू शेक्सपियर वर्शिप, एंड दिस वन इज वर्शिप ऑफ ऑल पोइट्स. जैसे हम स्टीफन स्पेंडर लगा लें, ठीक है, कमला दास लगा लें, कोई भी लगा लें, तो वो आपका क्या, पोइटोलेट्री, वर्शिप ऑफ पोइट्स. देखिए अब नेक्स्ट है आपका बेसिलोलेट्री. देखिए बेसिल बोलते हैं किंग को, किसके लिए यूज होता है, किंग के लिए, तो सिंपल सी बात है, बेसिलोलेट्री वर्शिप ऑफ किंग, सो सिंपल. इस तरह से हमारे 10 कंप्लीट हो गए बेटा. फर्स्ट आपका एंथ्रोपोलेट्री, एंथ्रोप ह्यूमन होता है, देखो एंड्रो किया था, एंड्रो कौन था, वो था मैन, था मैन वर्शिप, वो आपकी एंड्रोलेट्री, और एंथ्रोप हो जाए तो वो ह्यूमन है, एंथ्रोप है तो वो क्या है, ह्यूमन बींग के लिए है, तो एंथ्रोपोलेट्री वर्शिप ऑफ ह्यूमन. सब ऑटोलेट्री वर्शिप ऑफ वन सेल्फ, ऑटो का मतलब वन होता है, बार्ड का शेक्सपियर से रिलेशन है, पोइट का पोइट से रिलेशन है, बेसिल मतलब किंग होता है, और इनके साथ लगा दो वर्शिप तो वो आपका क्या बन गया, वर्शिप ऑफ दिस, वर्शिप ऑफ दिस, वर्शिप ऑफ दिस. क्लियर, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड देखिए बिब्लियोलेट्री. वी डिड दिस रूट वर्ड, हमने इस रूट वर्ड को भी किया है बिब्लियो, तो बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स, दिस वन इज रिलेटेड टू बुक्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर द पर्सन हु लव्ड बुक्स अ लॉट, जो बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार करे उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफर, ठीक है. अब बात करते हैं बिब्लियोलेट्री, यहाँ लेट्री आ गया, देखो वहाँ ग्राफर था तो वहाँ पे आपका मीनिंग जो है वो बुक्स से भाई वो लव करे, या आपका बिब्लियोफाइल, एक आपका बिब्लियोफाइल वर्ड आता है बेटा, ये भी हमने किया है बिब्लियोफाइल, ठीक है. देखो ये वर्ड देखिए आपको समझ आएगा, बहुत ईजी बातें हैं, बहुत ईजी, एक बार रूट वर्ड को कनेक्ट करना सीख जाओगे ना, देन यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम. देखिए ये बिब्लियोफाइल क्या होता है, लवर, फाइल का मतलब क्या होता है, लवर, और बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक्स, तो बिब्लियोफाइल किसको बोले, बिब्लियोफाइल बुक्स लवर,
किसको बोले? बुक्स लवर को, ठीक है, बुक्स लवर। बिब्लियोग्राफर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वर्ड बोला था बिब्लियोग्राफर, ये रूट वर्ड है अपने आप में ही एक, बिब्लियोग्राफर जो कि क्या लिखे? बुक्स लिखे, ठीक है, द वन हु राइट्स द बुक्स। ग्राफर का मतलब क्या? लिखने वाला। बिब्लियो क्या? बुक्स। बुक्स लिखने वाला कौन हुआ? बिब्लियोग्राफर। गेटिंग? तो ऐसे ही यहाँ पे लिखना बिब्लियो बुक्स और लेटरी वर्शिप। तो एक्सेसिव एडमायरेशन और वर्शिप ऑफ बुक्स, वर्शिप फॉर बुक्स, बुक्स की जो पूजा हो तो उसको बिब्लियो लेटरी बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बिब्लियो लेटरी, जहाँ बुक्स की पूजा हो, ठीक है। बिब्लियो लेटर भाई, यू नो ER जहाँ यूज होता है वो क्या बन जाता है? आपका नाउन वर्ड बनता है। क्या बनता है? नाउन, ठीक है। तो बिब्लियो लेटर द पर्सन हु वर्शिप द बुक्स, ठीक है, वर्शिप ऑफ बुक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। बेटा मिसिंग है ये, यहाँ पे यहाँ आएगा द पर्सन, बिब्लियो लेटर उसे बोलेंगे, वो इंसान जो बुक्स की पूजा करता है, ठीक है, यहाँ बिब्लियो लेटर, ठीक है, बिब्लियो लेटर। जैसे हम कहें ना टीचर, टीचर जो टीच करता है वो क्या बन गया? टीचर। जो टीच करता है वो क्या हुआ? टीचर। तो ऐसे ही जो बुक्स से लव करता है वो कौन, बुक्स की जो पूजा करता है वो कौन हुआ? बिब्लियो लेटर, बिब्लियो लेटर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आपका क्रिस्टोलेटरी। क्रिस्टोलेटरी क्राइस्ट से रिलेटेड है, जीसस क्राइस्ट सबने सुना है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो आपका वर्शिप ऑफ ए क्राइस्ट, ठीक है भाई, भगवान की पूजा करें, मेन जो है वो जीसस क्राइस्ट की करें। इसका देखो दोनों अलग, वो है भगवान से रिलेटेड, ठीक है, और सिर्फ जो जीसस से ही ज़्यादा अटैच हो हैं तो ये भी भगवान ही, लेकिन जीसस और लेटरी आपका अलग है, वर्शिप ऑफ जीसस। जैसा वर्ड आपका लगा है उसके पीछे वर्शिप लगा दो, बस नथिंग इज, ठीक है, कुछ नहीं है, आसान है। नेक्स्ट पे देखते हैं क्रोनीलेटरी। क्रोनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब आप सीक्वेंस में लगा रहे हैं कि इवेंट्स को क्रोनोलाइज कर दिया, मतलब उनको किस में लगा दिया? सीक्वेंस में लगा दिया। सीक्वेंस में कैसे? कि कौन सा इवेंट 19 में हुआ, 1919 में, कौन सा 1920 में, कौन सा 1925 में, तो इस तरह से उन्होंने उन्हें क्या कर दिया? क्रोनोलाइज कर दिया, सीक्वेंस में लगा दिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो वहीं से निकला क्रोनी का रिलेशन किससे होता है? टाइम से रिलेशन। और लेटरी आपका वर्शिप, तो वर्शिप ऑफ टाइम, सो ईजी, ठीक है। क्रोनी आपका टाइम और लेटरी आपका वर्शिप, तो क्रोनी लेटरी बन गया वर्शिप ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है आपका बेटा सैनोलेटरी। सैनोलेटरी, अब देखो सैनोलेटरी क्या कहता है? सैनो इज रिलेटेड टू डॉग्स। दिस वन देखो, नेम अब तक हमने जो किए ना सारे ऐसे आपके जो क्लियर हो रहे थे, बट दिस वन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साइनो इज रिलेटेड टू डॉग्स और लेटरी आपका हो गया वर्शिप। वर्शिप को लव भी कह सकते हैं, तो लव फॉर डॉग्स एंड वर्शिप ऑफ डॉग्स बोथ आर सेम। वर्शिप आता है तो भी ये ठीक है बेटा, ठीक है, वर्शिप ऑफ डॉग्स, वर्शिप ऑफ ए डॉग्स और लव फॉर डॉग्स बोथ आर सेम, क्लियर। ये आपका सेनोलेटरी, मतलब आप डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद करें, तो वो सेनोलेटरी है, ठीक है, सेनोलेटरी। आप देखिए डेमोलेटरी, डेमो डेमोग्राफी हमने किया था, हमने ग्राफ जो रूट वर्ड किया था, आप पहले वाले वीडियो पे जाएंगे, फर्स्ट वीडियो में मैंने ग्राफ कराया था बेटा, जो पहली वोकैब वाला पार्ट किया था, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, यू नो ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने ग्राफ किया था, तो उसमें डेमोग्राफी आया था। तो डेमो पॉपुलेशन से, पीपल से रिलेटेड, मतलब राइटिंग ऑफ द पर्सन मीन्स जहाँ पे की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग लिखा जाए, तो ये यहाँ पे डेमो फिर आ गया। तो डेमो का मतलब रिलेशन किससे? पीपल से। और लेटरी हमने बात की ही वर्शिप, तो डेमोलेटरी क्या हुआ? वर्शिप ऑफ पीपल, क्या बोलेंगे? वर्शिप ऑफ पीपल। देखिए अब है डेनोमिलेटरी, क्या है? डेनिमोलेटरी, डेनिमो लेटरी। अब देखो डेनोमी लेटरी क्या होगा? डेनम, डेनम जो हम डायमन यूज करते हैं, वैसे तो देखो डायमंड्स यूज करते हैं, तो डायमंड्स किसके लिए यूज होता है? घोस्ट के लिए, दानव के लिए, राक्षस के लिए। तो आपका वही डेनोमी लेटरी किसके लिए हो गया? वर्शिप ऑफ ए डायमंड्स, क्लियर। चलिए अब बात करें वर्बिलेटी, ठीक है, वर्बिलेटी, ये आपका वर्बोलेटरी था, हालांकि जो फर्स्ट उसमें आ चुका है बेटा ये वर्ड नहीं है, ये वर्बोलेटरी था, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इस वर्ड को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वर्ड आपका बाय मिस्टेक आ गया स्लाइड में, इसको छोड़िए, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक्लेसियोलेटरी, ठीक है,
एक्लेसियोलेटरी. एक्लेसियोलेटरी क्या हुआ? एक्सेसिव डेडिकेशन टू द चर्च. जो चर्च में बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना डिवोशन करें उसको बोलेंगे एक्लेसियोलेटरी. अब देखिए हमने अभी किया था जो हमने चर्च लेटरी कहा था, अगर हम बैक वाली उस पर जाएँ, देखो आपको क्लियर कर देती हूँ. क्रिस्टोलेटरी था वो किससे? क्राइस्ट से रिलेटेड था, जीसस क्राइस्ट से. अब हम यहाँ पे हम बात करें जो हमने अभी बात किया एक्लेसियोलेटरी, दिस वन इज रिलेटेड टू चर्च. ये क्राइस्ट से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? चर्च से रिलेटेड. ठीक है, किससे रिलेटेड? चर्च से रिलेटेड. क्लियर? तो देखिए बहुत आसान है. सैनो आपका रिलेशन डॉग, ये डॉग हो गया, ये पीपल हो गया, ये भाई दिख ही रहा है डायमंड हो गया, और ये आपका मैंने बता दिया कि भैया गलती से आ गया है आपका. और एक्लेसियोलेटरी तो आपको याद, तो देखो यही दो करने हैं जो डिफरेंट लग रहे हैं. ठीक है, एक्सेसिव डेडिकेशन टू द चर्च, गॉट इट. चलिए अब लास्ट स्लाइड है शायद, नेक्स्ट वाली लास्ट सेकंड है, अभी एक और है. देखो एक ही उसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स किए हैं तो कितना ईजिली हमें समझ आ गया. एक्लेसियोलेटर, अभी एक्लेसियोलेटरी करके आए, ठीक है, वो हो गया एक्सेसिव डेडिकेशन टू द चर्च. अब जो पर्सन करे, देखो अभी हमने जब भी बात की थी ना उसमें मैंने कहा था कि ER जहाँ पे आए तो जो उस काम को करे उस पर्सन के लिए यूज होगा, नाउन वर्ड बन जाएगा. सेम यहाँ पे हो रहा है, एक्लेसियोलेटर वन हु शोस एक्सेसिव डेडिकेशन टू चर्च, जो चर्च में ज्यादा डेडिकेशन दे वो क्या हुआ? एक्लेसियोलेटर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रोलेटरी. गैस्ट्रोलेटरी एक्सेसिव डिवोशन टू ईटिंग और फूड. ठीक है, एक्सेसिव डिवोशन टू ईटिंग और फूड, जो ज्यादा से ज्यादा खाने की तरफ ध्यान दे. तो भाई ये तो देखो है ही, जो ज्यादा खाना खाएगा गैस बनेगी, तो इसीलिए गैस्ट्रोलेटरी का रिलेशन किससे हुआ? एक्सेसिव डिवोशन टू ईटिंग और फूड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जियोलेटरी. जियोग्राफी पढ़ते हो, यू नो जियो इज रिलेटेड टू अर्थ एंड वर्शिप इज रिलेटेड टू, लेटरी इज रिलेटेड टू वर्शिप, तो जियोलेटरी वर्शिप ऑफ द अर्थ, सो सिंपल. नेक्स्ट देखिए जेरोंटोलेटरी. बेटा जेरोंटोलेटरी, जेरोंटोलेटरी ये आपका जेरोनोटोलेटरी बनेगा. जेरोंटोलेटरी बनेगा द वर्शिप ऑफ ओल्ड पीपल. ठीक है, जो पुराने लोग, ठीक है सॉरी ओल्ड पीपल, पुराने से नहीं मतलब यहाँ पे जो बूढ़े हैं, एज्ड जो लोग हैं उनकी जनरेशन की बात करें. ठीक है, जो किसकी आपकी जो पुरानी जनरेशन है इसको आप कर लो जनरेशन से, जो जनरेशन जो आपकी पुराने वो हैं ओल्ड जनरेशन है, उस ओल्ड जनरेशन की जो वर्शिप करे तो वो आपका हुआ जेरोंटोलेटरी. ठीक है, ये आपका ओ फिर नहीं आएगा, देखो यहाँ पे आपका बनेगा, इसको क्लियर कीजिए. यह आपका जेरोंटोलेटरी मतलब ये बन गया जनरेशन. क्या बन गया? जनरेशन. तो जो पहली जनरेशन की पूजा करे, आपकी ओल्ड जनरेशन की पूजा करे, पीपल को यहाँ जनरेशन कर लो तब आपको जल्दी समझ आएगा. पीपल की बजाय इसे क्लियर कीजिए जनरेशन, ओल्ड जनरेशन की पूजा तो उसे वर्शिप, तो वो क्या हुआ? जेरोंटोलेटरी. नेक्स्ट देखिए हेजियोलेटरी. हेजियोलेटरी देखो इसको समझने का तरीका बताती हूँ. आपने मुस्लिम रिलीजन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि वो लोग हज पे जाते हैं. ठीक है, आपको पता है रूल, मतलब रूल क्या है वहाँ पे, ये होता है कि जब कोई बंदा हज पे चला जाता है ना तो उसके बाद वो वापस आके अपनी सारी दुनियादारी छोड़ के और वो भगवान में, मतलब अपने उनका जो भी भगवान है उसमें उसमें ध्यान लगा लेता है, दुनियादारी छोड़ देता है. तो देखो वर्शिप ऑफ ए सेंट्स, तो वो जो हज पे जा रहा है तो मतलब वो किसके लिए डिवोटेड है? साधु संतों के लिए ना, तो वर्शिप ऑफ सेंट्स, तो वर्शिप ऑफ सेंट्स क्या हुआ? हेजियोलेटरी रिलेटेड टू हज. हज पे वही जाएगा जिसका संतों में विश्वास होगा, जिसका भगवान में विश्वास होगा, तो वो हेजियोलेटरी. लेटरी तो वर्शिप हो ही गया, हज का रिलेशन किससे हो गया? संत, कि वो वहां चला गया उस जगह पे, चला हज पे चला गया मतलब संत बन गया. ठीक है ना, तो वहां पे वर्शिप ऑफ सेंट्स. क्लियर, देखिए आप हीलियोलेटरी. नेक्स्ट है आपका वर्ड बेटा हीलियोलेटरी. देखो रीडिंग आपको एक बार बाद में लेनी पड़ेगी, इतने सारे वर्ड्स हैं लेकिन एक रूट वर्ड से देखो आप कितने वर्ड सीख रहे हो कितने इजी मैनर में. तो रीडिंग, वन रीडिंग विल हेल्प यू, एक ही रीडिंग आपको हेल्प करेगी. हीलियोलेटरी, हीलियो सबको पता है, हीलियम गैस किस में होती है? सन में होती है ज़्यादा, तो क्लियर है लेटरी हो गया वर्शिप, हीलियो हो गया सन, तो वर्शिप ऑफ सन. बताओ इसमें है क्या? सो इजी, बहुत आसान है, हीलियोलेटरी वर्शिप ऑफ सन. नेक्स्ट बेटा दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हमारे इस तरह से 32 वर्ड्स कवर हो रहे हैं. वन आप हमारा बीच में रोंग आ गया था ये लगा लिया, नियर अबाउट 30 वी आर कंप्लीटिंग विद द हेल्प ऑफ वन रूट वर्ड. एंड इफ यू विल टेक वन रीडिंग डेफिनेटली यू विल एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. चलिए
होप्लोलेट्री, होप्लोलेट्री बेटा होप्लो होता है वेपन से रिलेटेड, दिस वन इज रिलेटेड टू वेपन्स। अब क्लियर है, लेटरी हो गया वर्शिप और होप्लो हो गया वेपन्स, तो होप्लोलेट्री वर्शिप ऑफ ए वेपन्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोलेट्री, हाइड्रो सबको पता है हाइड्रोजन, और ये सबको पता है कि हाइड्रो का रिलेशन किससे होता है, हाइड्रोफोबिया, रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रो का रिलेशन किससे होता है, वाटर से। लेटरी वर्शिप हो गया, सो सिंपल द वर्शिप ऑफ वाटर। नेक्स्ट करें ओफियोलेट्री, क्या ओफियो, ओफियो इज रिलेटेड टू स्नेक, ओफियो इज रिलेटेड टू स्नेक, और लेटरी का रिलेशन किससे हुआ, वर्शिप से, तो ओफियोलेट्री क्या है, स्नेक वर्शिप, सो सिंपल, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड बनेगा बाद में ओफियो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लूटोलेट्री, यू नो प्लूटो इज द सिंबल ऑफ, प्लूटो को जो प्लूटो ग्रह है कहते हैं ना, भी हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, तो प्लूटो बोलते हैं कि प्लूटो जो है वो मनी, पैसे के लिए जाना जाता है, जो प्लूटो आपका प्लेनेट है उसे किसके लिए जाना जाता है, पैसे के लिए। तो प्लूटोलेट्री मीन्स वर्शिप ऑफ मनी, प्लूटो किसका सिंबल है, मनी का, मनी, तो लेटरी आपका वर्शिप, तो वर्शिप ऑफ मनी प्लूटोलेट्री, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए पाइरोलेट्री बेटा, ये फेयर नहीं है बेटा, इट्स मिसप्रिंट, ये थोड़ा सा यहाँ वो हुई है, ये फायर है, फायर, ठीक है, आग। तो यहाँ पे पाइरोलेट्री, देखो पायरो आपका फायर से रिलेटेड अभी मैंने किया ना, तो पाइरोलेट्री वर्शिप ऑफ फायर, भाई पायरो फायर, लेटरी वर्शिप, तो वर्शिप ऑफ फायर पाइरोलेट्री। फिर आपका सोलेनोलेट्री, क्या है सोलेनोलेट्री, तो सोलेनो का रिलेशन किससे हुआ, मून से हुआ, तो सोलेनोलेट्री वर्शिप ऑफ मून, गॉट इट, ये इसका रिलेशन मून से। इस तरह से हमारे कितने वर्ड्स कंप्लीट हो गए, नियर अबाउट वी हैव कंप्लीटेड 30 वर्ड्स विद इन 15 to 25 मिनट्स में, हम कह सकते हैं। एक बार दोबारा से देखोगे वीडियो को, सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हमारे पास इतना ज़्यादा वर्ड कलेक्शन होगा कि हम उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी राइटिंग सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।